Good afternoon, students. Today we will do our civics first chapter on equality. Equality means samanta. Hum sab saman hain. Hame sabko adhikar hai equal vote dene ka. Chahe hamara religion alag hai, education, chahe hum ameer hai, chahe gareeb, aur caste chahe hamari alag hai. In this chapter we will also learn universal adult franchise, jo ki based hai idea equality pair means samanta par. In its mean 18 plus jiski ayu 18 se zyada hai unhe equal right hai vote dene ka. In this chapter we also read other kinds of inequality, asamanta, inequality in caste identity. Caste mein जो इनइक्वालिटी असमानता है, जैसे मैट्रिमोनियल्स में हम पढ़ते हैं वर चाहिए, वधू चाहिए, ब्राह्मण, तमिल, इन चीज़ों में असमानता दिखाई देती है. इन दिस चैप्टर वी ऑल्सो रीड दलित. दलित मीन्स ब्रोकन, टूटा हुआ. दलित इज़ रिलेटेड टू लोअर कास्ट, जो कि निम्न जाति का माना जाता है. इन दिस चैप्टर ओम प्रकाश वाल्मीकि, एक दलित राइटर, जूठन उनकी एक राइटिंग है, ट्रीटेड बैड इन स्कूल, जिसे स्कूल में क्योंकि वो निम्न जाति का था उनसे बुरा व्यवहार किया जाता है. उनके हेडमास्टर उसे बोलते हैं कि आप जाकर ग्राउंड क्लीन करो, और बाकी सभी उसका निम्न जाति होने की वजह से बच्चे सभी उसका मजाक उड़ाते हैं. लेकिन जब उसके फादर को ये बात पता चलती है तो वो इसका विद्रोह करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें, उसके फादर स्कूल जाते हैं और उसे, उसके हेडमास्टर को बोलते हैं कि आप एक टीचर हो और तुम्हें एक बच्चे के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए. इन दिस चैप्टर वी ऑल्सो रीड अबाउट मिस्टर एंड मिसिज अंसारी, जो कि एक रेंट पर अपना एक घर फाइंड कर रहे हैं. जब वो पहला घर देखने जाते हैं तो उन्हें वो घर पसंद आ जाता है, लेकिन जब लैंडलॉडी को उनका सरनेम के बारे में, मीन्स अंसारी के बारे में पता चलता है, तो उसकी लैंडलेडी कोई एक्सक्यूज तैयार कर देती है और उन्हें बोलती है कि ये हम रेंट पर नहीं दे सकते. आफ्टर दैट वी विल रीड अबाउट रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी. इट मीन्स जब किसी पर्सन से बुरा व्यवहार किया जाता है या असमानता वाला व्यवहार किया जाता है तो उसकी डिग्निटी वायलेटेड हो जाती है, उसका विद्रोह करती है. इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन there is right to every person is equal, whether it is a male or female, caste, religion, economic background, whether it is rich or poor. Equality to go on any public places. Every person has right, whether he can go or any mall, school or park, etc. In this chapter we also read about midday meal scheme started by government. Firstly, it started in Tamil Nadu. In 2001, Supreme Court asked the state government to begin this program. In this way, both upper and lower caste children eat their meal together. In USA, there is unequal treatment is given to African. American treated Africans as their slaves, and they don't give them the right to sit with them. We should also think that the equality is must be for all persons because we all are equal. Thank you.